हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉपी नोट चैनल। दोस्तों, आज अपन लोक नृत्य पर ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आए हैं। वैसे इसके बारे में जैसे सारांश यानी कि पूरी क्लास, दो क्लास अपने लोक नृत्य के बारे में अपलोड कर दी है, जो वर्णनात्मक रूप में है और स्टोरी टाइप में भी है। लेकिन कुछ यदि साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन चले हैं टेस्ट के रूप में, तो उससे क्या है कि अपन को अपन की प्रैक्टिस हो जाती है कि अपने जो क्लास देखी है उनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार यदि आप साथ में एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने अंदाज से मैं 5 सेकेंड दूंगा, उसमें आप अपने जो ऑप्शन है आपका सही है उस पर टिक लगाते रहना, और बाद में आप काउंट कर लेना कितने आंसर आपने सही किए हैं। ठीक है, तो अपन लोक नृत्य पर शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा नृत्य है उसके साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरह ताली नृत्य या गौरी नृत्य। तो आप अपना ऑप्शन टिक कीजिए कि किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्त, इसका आंसर है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है, तो इसमें जांज नामक के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन, तो दोस्त अपना अगला क्वेश्चन है, नृत्य जो सरगड़ा और भीले समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है अग्नि नृत्य, गिदड़ नृत्य, बम नृत्य या ढोल नृत्य। अपना अनुमान लगाइए कौन सा नृत्य इसमें हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य है जो गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध बोल रहे हैं राजस्थान के किस शहर से है? तो जो गुड़ला नामक नृत्य शैली, गुड़ला नृत्य की बात करें तो ये जो अजमेर के मल्लू खां का सेनापति जो गुड़ला है, गुड़ले और जो अपन मारवाड़ शासक सातलदेव के मध्य एक युद्ध हुआ, कोसना का युद्ध, जो कि गुड़ले खान ने किया कि एक क्या पीपाट शहर के जो 140 कुंवारी कन्या का अपहरण कर वो ले गया। ठीक है, 140 कुंवारी कन्या का अपहरण करके ले गया। तो पीछे जो अपन के मारवाड़ शासक सातलदेव है, उन्होंने उनका पीछा किया और जो 140 कुंवारी कन्या था उनको उनको उनसे छुड़वाया और उसका सिर काट दिया। तो इस प्रकार यह है कि गुड़ला नामक नृत्य शैली, तो यह पीपाड़ शहर अपने जोधपुर से है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो घूमर, गीदड़, तेरह ताली या फिर गैर, कौन सा आप अनुमान लगे शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य इसमें है जो ऑप्शन है आपका गिदड़ सही है। गिदड़ शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य है, गिदड़ सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? बीकानेर, चूरू, जोधपुर या फिर बाड़मेर? अग्नि नृत्य की बात करें तो ये जैसे जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है और ये इनका उद्गम स्थल है बीकानेर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। अग्नि नृत्य जो कतरियासर बीकानेर जिले में है, ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर, जो कि जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है, नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है, कौन सा जो नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है? आप अनुमान लगे कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है वालर नृत्य। वालर नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं लिया जाता है या नहीं आता है? तो कौन सा ऐसा यंत्र है राजस्थान के जो तेरह ताली नृत्य है कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है रामदेव जी के मेले में, तो कौन सा जो यंत्र है वो नहीं लिया जाता है इस नृत्य में उपयोग में? मंजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है या डेरू है, कौन सा है? तो मंजीरा लिया जाता है बिल्कुल, तानपुरा भी लिया जाता है और चौतारा भी लिया जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका डेरू, ठीक है, सही ऑप्शन है आपका इसमें डेरू है जो उपयोग में नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है सहरिया, भील, तेरहताली या कालबेलिया। आप अनुमान लगाइए इसमें जो संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कालबेलिया, संक्रिय नृत्य है जो कालबेलिया से संबंधित है। अगला जो है क्वेश्चन वो है, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? इसमें आप अनुमान लगे, ऑप्शन आपके सामने है, सहरिया है, ग्रासिया है, कालबेलिया है और भील है। इनमें आप जो सही आंसर है अपना अनुमान लगे कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो जो वालर नृत्य है वो है ग्रासिया जनजाति द्वारा जो किया जाता है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है वालर नृत्य, ठीक है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, एक बार ये पट्टी हटा देता हूं मैं, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। इसमें जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पिछली बार बहुत अलग अलग जो शिफ्ट ही और शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में जो बिल्कुल पूछे गए थे, और जो पटवारी के एग्जाम होते हैं उनमें भी इस प्रकार के, क्योंकि एक साथ चार पांच क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें है जैसे ए ऑप्शन, ए बी सी और डी के सामने दे दिया नेजा, इडोनी, तेरहताली और वालर। इस इधर दे दिया 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, तो इसमें दे दिया भील, कालबेलिया, ग्रासिया और कामड़। इसमें ये बोला है कि जो अपना अपना जो साई है किस जनजाति से नृत्य है उसको मिलान कीजिए। तो अपन को इसमें यदि एक भी आता, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मान लेते हैं हमको पहला नहीं आता या तीसरा नहीं या दूसरा कोई भी एक आता है, जैसे मेरे को मान लो आपको आता है, जैसे आप अनुमान लगाओ जैसे कि वालर आला, ठीक है, वालर आपको आ रहा है सही, आपको पता है वालर है ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। तो आपने बोला कि भाई डी को यदि मैं तीन से मिला दूं, तो पहले देख लो कि भाई डी को तीन से मिले कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन है। और एक बार आपने फिर एक और आ रहा आपको, मान लेता तेरहताली को आपने वैसे वालर को मिला दिया आपने तीन नंबर से, यानी वालर हो गया ग्रासिया से। अब आ रहा आपको तेरहताली है जो आपको पता है कि भाई रामदेव जी के मेले में कहता है और कामड़ जनजाति द्वारा कहता है महिलाओं द्वारा कहता है। तो तेरहताली है जो, तेरहताली को आप मिला दो चार से, यानी कि सी को मिला दिया मैंने चार से। अब देखो डी को तीन से मिला रहा है ये पहला ऑप्शन, और सी को चार से मिला रहा है, सी को चार से मिला रहा है पहला ऑप्शन। तो आप आंख मीच कर ये ऑप्शन कर सकते हो, सही आपका हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो ये आप बता सकते हैं कि भाई वालर हो गया ग्रासिया जनजाति का, तेरहताली हो गया कामड़ जनजाति का और इडोनी नृत्य हो गया, जैसे बी को मैंने मिला दिया दो से यानी कि कालबेलिया का, और ए को मिला दिया मैंने एक से यानी नेजा हो गया भील जनजाति का, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इस प्रकार के चार चार पांच पांच ऑप्शन दे रखे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आप प्रैक्टिस करें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में। अगला क्वेश्चन है अपन का, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। अब जो ऐसी आपको ऐसा नृत्य बताना है जो कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, अब वालर है या मांदल है या गौरी है या लूर है, आपको बताना है। वालर, मांदल, गौरी या लूर, आपका अनुमान लगाइए। अब ग्रासिया से वालर है, मांदल है और लूर भी है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गौरी, जो गौरी है इस ऑप्शन का सही आंसर है जो कि ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। अब देखो तेरह ताली नृत्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इस बारे में जो वर्णन है पूरा, तेरह ताली नृत्य क्या होता है, तो अपने क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसे देखे, क्योंकि वो उससे आप ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है उनके हल करने में आसानी होगी, तेरह ताली नृत्य या फिर अग्नि नृत्य और फिर या मछली नृत्य, तो इस बारे में अपन जो वर्णात्मक रूप में अपन ने पहले क्लास अपलोड कर दिए, तो उसे देखे, तो इसका आप आंसर सोचते हैं कि भाई तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति जाति से है, तो आपका अनुमान आप लगाइए, व्हील है या कामड़ है या मीणा है या कठोड़ी है। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है, तो आपको पता है तेरह ताली नृत्य जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कामड़। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, मुख्य रूप से जो नृत्य है वो आपको बताना है इसका कौन सा है। तो अपने अभी जो पहले और भी क्वेश्चन किए तो उनमें अपने काफी रिपीट किया कि गरासिया जनजाति का जो है सही ऑप्शन है आपका इसमें चार नंबर है, यानी कि वालर नृत्य है इसका सही ऑप्शन है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। अब जो है को नृत्य कौन सा जो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। अब होली की बात हुई तो आपको पता है वालर तो होगा नहीं, डांडिया भी नहीं होगा, नेचा भी नहीं होगा, यानी कि गैर, आपने बहुत वैसे राजस्थान से आप सब है तो जानते हो होली पर गैर, तो ये भीलों द्वारा होली पर किया जाता है वो है सही आंसर है गैर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य जो मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन है भवाई, ख्याल, गौरी या तमाशा, अपना अनुमान लगाइए, अपना अनुमान लगा लीजिए, क्यों रफ कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ में पेन, अपना अनुमान लगा जाइए, लास्ट में जो भी पूरी काउंसलिंग होगी तो उसमें आप अपना ऐड कर दीजिए कितने आपने आंसर सही दिए। तो इसका जो है कि लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है वो आपका है गौरी, गौरी को मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता है, आप अपना अनुमान लगाइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गैर, नेजा, चंग या पणिहारी, आप अपना अनुमान लगाइए, गैर बिल्कुल किया जाता है, नेजा भी किया जाता है, चंग भी किया जाता है, पणिहारी नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन सही होगा वो है पणिहारी नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य, एक बार पट्टी हटा देता हूं, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। देखो तेरह ताली नृत्य पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है, राजस्थान पुलिस के लिए, पटवारी के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है नृत्यों की क्लास, तो तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, आप अपना अनुमान लगाइए, सामने ऑप्शन है आपके, रामदेव जी है, देव नारायण जी है, गोगा जी है या पाबू जी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है तेरह ताली नृत्य से, अपने बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट किए थे इसके बारे में, तो आपको पता है इसका जो ऑप्शन सही है वो है रामदेव जी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा अपना है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। अगला जो क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, घूमर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी या कथक, ऑप्शन सामने है, अनुमान लगे अपने कौन सा सही हो सकता है, घूमर है या तेरह ताली है या कच्ची घोड़ी है या कथक है, तो आपको पता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो है आपका सही ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, अनुमान लगे कौन सा सही हो सकता है, गैर नृत्य है, चंग नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है और चरी नृत्य है, तो कौन सा जो नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये अपना पहला ऊपर वाला है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये निचले वाला आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो आप अनुमान लगाइए, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा चरी नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा जो नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
तो जैसे अपने आज इस प्रकार के कुछ लोक नृत्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और लोक नृत्य की बात करें तो अपन डेली डे बाय डे क्लास अपलोड कर रहे हैं और अपन एक टॉपिक लेके चलेंगे। अभी लोक नृत्य चल रहा है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। और आप यू कैन गेस, आप अपना सोचिए कि यदि आपने जो अभी क्लास ली तो आपने कितने क्वेश्चन आपको याद भी हो गए हैं अच्छी तरह से, और आपने जो सही आंसर दिए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने कॉपी नोट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो जिस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं उसी में अपन याद करने का प्रॉमिस है करते हैं, ठीक है। तो अपन ने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बहुत सारी क्लास अपलोड कर दी है, साथ ही साइंस की कुछ ट्रिक्स वीडियो भी अपलोड कर दी है, एंड इंडियन हिस्ट्री के बहुत अच्छे वीडियोस वो भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी देखे। रीजनिंग की दो क्लास अपलोड की है गणपासा के बारे में, वो भी आप देखिए, बहुत अच्छी क्लास है। तो अपना ख्याल रखिए, और तब तक के लिए खम्मा गणी, राम राम, टेक केयर।